गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास, आज मैं आपको नया टॉपिक करा रही हूँ, पद परिचय। पद परिचय, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम पद किसे कहते हैं। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तब वह पद बन जाता है। यानी हम किसी भी शब्द को कहीं भी तो नहीं प्रयुक्त कर सकते, व्याकरण की दृष्टि से उसे उचित क्रमानुसार लिखते हैं। अर्थात जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है वह पद बन जाता है, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को हम पद कहते हैं। अब परिचय, मैं आपको टॉपिक करा रही हूँ पद परिचय। अभी मैंने आपको बताया पद किसे कहते हैं, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। अब परिचय, परिचय किसे कहते हैं, वाक्य में प्रयुक्त शब्द की स्थिति बताना, अर्थात व्याकरण की दृष्टि के अनुसार वह शब्द विकारी है या अविकारी, और यदि वह विकारी है तो उसका भेद, लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि के बारे में बताना। यदि वह अविकारी है तो वह किस प्रकार का अवयव है और उसके अन्य शब्दों के साथ क्या संबंध है, इन सारी बातों की जानकारी देना पद परिचय कहलाता है। तो टेंथ क्लास यहाँ तक क्लियर हुआ आपको कि पद किसे कहते हैं, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को हम पद कहते हैं, और परिचय उस पद के बारे में जानकारी देना कि वह आपका विकारी शब्द है या अविकारी है। अगर विकारी है तो उस विकारी शब्द का भेद क्या है, लिंग क्या है, वचन क्या है, कारक क्या है, पुरुष क्या है, इन सब की जानकारी देना ये। और अविकारी है तो अवयव कौन सा है, अवयव है तो उसका वाक्य के अन्य शब्दों से क्या संबंध है। अब पद परिचय, पद परिचय के संकेत तालिका मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। सबसे पहले आता है पद का नाम। अब पद के नाम में आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक। अब संज्ञा, अब संज्ञा में क्या चीज़, संज्ञा के भेद, उन भेदों का लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध। अर्थात जब आप वाक्य में प्रयुक्त पद का परिचय देते हैं, अगर उसमें संज्ञा शब्द होता है उसका परिचय देते हैं, तो सर्वप्रथम आप लिखेंगे कि संज्ञा का भेद कौन सा है, अर्थात व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है। फिर भेद बताने के बाद उसका लिंग कौन सा है। हिंदी में दो ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ऐसे ही वचन बताना है कि एक वचन है या बहुवचन है, कारक की विभक्ति है तो कौन सी है ये बताना है, और क्रिया के साथ उसका संबंध बताना है। ऐसे ही दूसरा पद हमारा आता है सर्वनाम। संज्ञा की तरह ही अगर कोई पद सर्वनाम है तो पहले सर्वनाम का भेद, पुरुष, लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ संबंध। यानी सेम जैसे हम संज्ञा का बताएंगे वैसे ही हम सर्वनाम का बताएंगे, लेकिन संज्ञा के तीन भेद हैं और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब भेद तो आपको पता ही होगा, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और
संबंधवाचक। ये जो छह भेद होते हैं संज्ञा के, इन छह भेदों में से पद जो है हमारा कौन सा है वो बताएंगे। फिर पुरुष यानी लिंग, पुरुष बताएंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, लिंग पुलिंग है या स्त्रीलिंग, वचन एकवचन या बहुवचन। उसी प्रकार विशेषण, विशेषण का भेद सेम, सारी सिचुएशन एक जैसी होगी कि संज्ञा है तो संज्ञा का भेद, सर्वनाम है तो सर्वनाम का भेद, विशेषण है तो विशेषण का भेद, फिर लिंग वचन और विशेष्य का निर्देश। विशेष्य अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाती है। अब आता है पद में क्रिया, क्रिया का भेद कि वो कौन सी क्रिया है, अकर्मक है सकर्मक है। फिर यहाँ भी हम लिंग वचन पुरुष धातु काल वाच्य प्रयोग कर्ता और कर्म का संकेत, यानी जो हमारी क्रिया है वो कर्ता है या कर्म है। नेक्स्ट आता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में भी इसके भेद बताएंगे, चार भेद होते हैं, रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और कालवाचक क्रिया विशेषण और स्थानवाचक क्रिया विशेषण। फिर इसकी विशेषता जिससे बताई जा रही है वो बताएंगे। इसके बाद समुच्चय बोधक भेद बताएंगे, किन पदों या वाक्यों को मिला है। उसके बाद संबंध बोधक अर्थात किसके साथ संबंध बताया जा रहा है। विस्मयादि बोधक यानी कौन सा भाव प्रकट किया जा रहा है, वो विस्मय का है, हर्ष का है, शोक है, घृणा है, भय है या क्रोध है। तो 10th क्लास पद परिचय करने से पहले आपको इन पदों की जानकारी होना आवश्यक है। कल मैं लाइव क्लास लूँगी, एवरी स्टूडेंट्स का क्लास अटेंड करना कंपलसरी है और आपका लाइव क्लास के अंदर पद के अंदर संज्ञा और सर्वनाम भेद सहित पढ़कर आएंगे। कोई कन्फ्यूज़न होगी तो मुझसे क्लियर करेंगे, मैं आपको ये दो टॉपिक कल लाइव क्लास में समझाऊंगी। थैंक्स।